नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज की जो क्लास है ये डिमांडिंग क्लास है। जो चैप्टर आपने बताया था आज हम उसी को जो है इस क्लास में कवर करेंगे। ये रैंक मास्टर कमीशन के लिए जो हमारी 10th क्लास रहेगी। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बिंदु पथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो है रैंक मास्टर कमीशन में काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमसे हैंड रिटन कोर्सेज परचेस किए हैं, जिसमें उनको व्यक्ति पार्ट में जो ज्योमेट्री पार्ट है उनके नोट्स मिले हैं। और जो अदर्स व्यक्ति पार्ट आपका बचता है, ठीक है, उसके अब उनको जो है हमने 2700 प्लस जो है एमसीक्यूज दिए हैं। ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है ड्राइंग मास्टर कमीशन में, और जो आपका जीके पार्ट है उनके लगभग सभी सब्जेक्ट के जो आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करे हैं। तो अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़ा है और जुड़ना चाहता है तो वो नीचे नंबर जो दिया गया है वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो जीके पार्ट में आपको लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है। बीच में आपको एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, साथ में डिटेल में आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ये सिलेबस जो हमारे पास अवेलेबल है ड्राइंग मास्टर कमीशन में। इसके साथ साथ आपको जो एसपीजीके की वीडियोस हैं वो आप हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहती है जो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये सभी ग्रुप में आ रही है। साथ में ज्योमेट्री पार्ट की भी आपको जो यहाँ पर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, हम स्पेशली जो ग्रुप बनाया गया है वहां पर जो उसको अपडेट करते हैं। यहाँ पर आपको हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना मिले, बट वहां पर आपको स्पेशली जो है वो सेंड की जाती है। साथ में जो भी आपकी डिमांड रहती है वीडियोस की वो भी हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। बीच में अभी तक आपके जो एचपी जीके हैं उनके लाइव टेस्ट भी हम ले रहे हैं, और आगे हम जो ज्योमेट्री पार्ट है उसके भी बीच में लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा जो हैंड रिटन कोर्सेज है ड्राइंग मास्टर कमीशन में वो रहता है। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो है अदर सब्जेक्ट में भी जो है हेल्प कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है बिंदु पथ, ये आपकी डिमांड के ऊपर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, और ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी जो है आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बहुत से कंसेप्ट जो है आज इस क्लास में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बिंदु पथ क्या होता है? अगर हम इसका छंदी विच्छेद करें तो बिंदु प्लस पथ बिंदु के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बिंदु जो है इस तरीके का एक डॉट होता है, इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं होती है, ना इसमें हाइट होती है, ना ही लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, और एक बिंदु से हम जो है अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है। और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो हम मोटे तौर पर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि बिंदुओं से बना हुआ रास्ता, बट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है बिंदु पथ की उसको आप लिखें। बिंदुओं का विशिष्ट समुच्चय जो है वो बिंदु पथ होता है। ठीक है, बिंदुओं का विशिष्ट समुच्चय को आप समूह भी बोल सकते हैं। समुच्चय को आप समूह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है वो बिंदु पथ की होती है। बिंदुओं का विशिष्ट समुच्चय होता है जिसे हम बिंदु पथ बोलते हैं।
आप ये भी लिख सकते हैं कि उन समस्त बिंदुओं का समूचे है जो कोई समान गुण रखते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यह, उसकी ये डेफिनेशन भी होती है। दोनों डेफिनेशन जो आप याद रख सकते हैं कि बिंदु पथ, बिंदु बिंदुओं का एक तरह का हम रास्ते की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे बिंदु जिनके जो है वो समान गुण रहते हैं। तो कुछ शर्तें जो है बिंदु पथ की रहती हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और वहीं से जो आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनकी शर्तें कौन देखते शर्त क्या हैं। होती है? तो देखें, एक बिंदु से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? ये पहली शर्त है। तो क्या इसका आंसर रहता है कि एक बिंदु से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ? तो आप डेफिनेशन को ध्यान से समझें कि डेफिनेशन क्या बोल रही है, क्या इसकी शर्त है। एक बिंदु से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, मान लो एक बिंदु आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, इससे आप समान दूरी पर जो आप बिंदु ले सकते हैं, जिसे आप समान दूरी पे चारों तरफ आप लेंगे, तो ये सभी समान दूरी पे हैं। ठीक है, बीच वाले बिंदु से समान दूरी पे हमने कुछ बिंदु ले लिए, ये सभी समान दूरी पे हैं। जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन बोली गई है कि एक बिंदु से सम दूरस्थ को आप यहाँ पर समान दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, समान दूरी भी बोल सकते हैं। तो इन बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे, मान लो ये सभी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, इक्वली डिस्टेंस के ऊपर हैं सारे बिंदु, तो क्या ये एक तरह का वृत्त बना रहे हैं? ठीक है, समान दूरी पे हैं ये सारे बिंदु, यहाँ पे आप जो है इनको समान दूरी पे बोल सकते हैं बीच में से। तो इस अर्थ का क्या आंसर बना कि एक बिंदु से सम दूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो एक वृत्त की तरह होता है। ठीक है, वृत्त की तरह होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सेकंड शर्त इसकी देखें, एक रेखा से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब बोला गया है कि एक रेखा, रेखा की बात हो रही है, एक रेखा से सम दूरस्थ समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? तो एक रेखा आप यहाँ पर लें, यहाँ पे हमने एक रेखा ले ली है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। अब इससे समान दूरी पे आप बिंदु आप ले सकते हैं, मान लो ऊपर हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया समान दूरी के ऊपर। ठीक है, समान दूरी के ऊपर, इसी से जो हमने समान दूरी के ऊपर बिंदु ले लिए, तो ये बिंदु जो है दोनों तरफ हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। मान लो हमने जो 5 मीटर की हाइट के ऊपर जो है कुछ बिंदु जो है वो ले लिए। ठीक है, तो सेम जो है वो नीचे भी हो सकते हैं समान दूरी पर। बोला गया ना कि डेफिनेशन में कि एक रेखा से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, तो बिंदु तो नीचे भी हो सकते हैं यहाँ पर समान दूरी के ऊपर। मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह की एक रेखा बनाएंगे, ये भी एक तरह की रेखा बनाएंगे। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी समान दूरी के ऊपर। तो इसका क्या आंसर बना, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, इसको आप पी बोल सकते हैं, इसको क्यू बोल सकते हैं, नीचे वाले को आर एस बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो क्या बोलेंगे कि एक रेखा से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं होती हैं। कि एक रेखा से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दो समांतर रेखाओं के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो है मैंने अभी एग्जांपल आपको बता दिए हैं कि बिंदु पथ की क्या क्या शर्तें होती हैं। नेक्स्ट देखें, थर्ड, अभी हम दो समांतर रेखाओं की बात करते हैं कि दो समांतर रेखाओं से सम दूरस्थ
बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? दो समांतर रेखाओं से सम दूरस्थ, अब दो समांतर रेखाएं आप लेंगे, मान लो आपने दो समांतर रेखा यहां पर ले ली, अब इन दोनों की समान दूरी पर हम कहां भी बिंदु ले सकते हैं, दो समांतर रेखाओं से सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो समांतर, अगर इन दोनों के हम समान दूरी की बात करें तो हम बीच में ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं यहां पर समान दूरी के ऊपर, जो दोनों की तरफ से क्या होगी, इक्वल दूरी के ऊपर होंगे। ठीक है, मान लो इसकी दूरी जो है वो एक्स है, तो नीचे वाले की भी एक्स होगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको भी आप मिला सकते हैं, तो ये भी क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। ठीक है, तो इसको भी आप नाम जो है वो दे सकते हैं कि ए बी सी डी और बीच की रेखा क्यूपी। तो किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दोनों के बीच समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच समांतर एक रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि दोनों, अब मैं मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दो समांतर रेखा ली, ऊपर तो मैं बिंदु ऊपर या नीचे बिंदु तो ले नहीं सकते थे क्योंकि इक्वल दूरी नहीं बननी थी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दोनों के बीच एक समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट शर्त इसकी बनती है बिंदु पथ की। एक और देखें, फोर्थ, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब दो बिंदु से हम बात कर रहे हैं, तो कैसे लेंगे, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब दो बिंदु आप लेंगे समान दूरी पे, दो बिंदु आपने ले ली यहां पर। ठीक है, बोला गया कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, मान लो दो बिंदु हमने यहां पर ले लिए, कौन से, ए और बी, इनसे समान दूरी पे आप बीच में कोई बिंदु लेंगे, बीच में कोई भी कहीं पे भी ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, कि बोला गया है कि इनकी जो है वो कंडीशन क्या होगी, तो आप समान दूरी पे ऊपर आप यहां पे बिंदु लेंगे, हमने यहां पे बिंदु ले लिया। ठीक है, मींस कि यहां पर इनकी आपस में क्या है, समान दूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेना, बोलने का मतलब कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो बीच में जो बिंदु लिया गया है इसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो बीच में से जो बिंदु लिया गया है इससे आप यहाँ पर लंब समद्विभाजक जो है वो खींच सकते हैं, क्योंकि जो भी बिंदु आपने दो लिए थे ए और बी, बीच की जो रेखा जो है वो इक्वल दूरी जो है दोनों तरफ से रखती है। मान लो यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच ली, जो भी आपने बीच में इनके इनसे समान दूरी के ऊपर बिंदु लिया था, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा ए और बी से जो उसकी इक्वल दूरी होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु ले लिया ऊपर पी, तो जब आप इसको मिलाएंगे ए के साथ, ठीक है, और पी को आप बी के साथ मिलाएंगे, तो इनकी भी क्या होगी, आपस में इक्वल दूरी होगी, इनकी भी आपस में इक्वल दूरी होगी। आप अगर मान लो बीच में आपने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया, तो जब आप ए के साथ मिलाएंगे इसको और बी के साथ भी मिलाएंगे, तो इन रेखाओं की दूरी भी जो आपस में क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो क्या बोलने का मतलब है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ एक लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, जैसे इसको अपने ध्यान से जो है वो याद रखना है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ एक लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक मींस ये बीच की जो लाइन खींची गई है, ठीक है, यहां से जो है सभी तरफ की इक्वल दूरी रहती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। दो प्रतिच्छेद
रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। दो प्रच्छेद रेखाएं आप यहां पर ले सकते हैं, दो प्रच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक कोण समद्विभाजक होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि कोण अर्धक होता है। तो आप यहां से जो भी कोण लेंगे, किसी भी तरफ कोण लेंगे, ठीक है, तो जब आप बीच में से इस रेखा काटेंगे, यहां से जो इसको काटेंगे, ठीक है, समान दूरी के ऊपर, समान मान लो एक बीच का बिंदु समान दूरी के ऊपर लेंगे, तो क्या क्या होगा, ये जो कोण होंगे ये जो आपस में इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि दो प्रच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो कोण अर्धक होता है। ठीक है, कोण अर्धक होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोण समद्विभाजक होता है। आई थिंक आपको जो है ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसका जो 6 पॉइंट है उसको लिखें। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु बोला गया है। तो समतल में मान लो जैसे आपके पास एक रेखा है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने समान दूरी के ऊपर एक बिंदु लिया, उसके ऊपर आपने एक वृत्त खींचा है यहां पे, तो ये जो है बहुत समतल के ऊपर जैसे यहाँ पे लिखा है कि लुढ़क रहा है, तो मीन्स लुढ़केगा तभी ऐसे ऐसे फिरेगा, इस तरीके से ही फिरेगा। ठीक है, बट जो सेंटर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वृत्त की इक्वल रहती है। सेंटर की जो दूरी होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो इस तरीके का ये बनेगा, मीन्स बीच में भी आपको क्या बनेगी, एक समतल रेखा बनेगी बिंदुओं से लुढ़कने पर भी। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि समतल के समानांतर एक सरल रेखा होता है। समतल में लुढ़कने वाला वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समानांतर एक सरल रेखा होता है। काफी पॉइंट बिंदुपथ के कवर किए हैं, आई होप आप इन सभी पॉइंट्स को समझ गए होंगे। और इससे पहले भी हमने काफी जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है ड्राइंग मास्टर कमिश्नर ज्योमेट्री की, बेसिक ज्योमेट्री की, इसके साथ साथ आगे हम जैसे ही जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर होते हैं तो हम एमसीक्यूज की भी सीरीज चलाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी जो है ये समझ आ सके। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हैंड रिटन कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो अभी भी जुड़ सकते हैं। तो स्पेशली उसमें ये रहता है कि आपको स्पेशली वहाँ पे वीडियो सेंड करी जाती है, चाहे यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो आए या ना आए, बट वहाँ पर आपको स्पेशली जो है वो वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसी के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन रहती है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने जो पुरानी क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको भी आप सर्च करके दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।